जो उपयोगिता सृष्टि की उपयोगिता भेद प्रतिपादन करने में नहीं है, सृष्टि की उपयोगिता और भेद को बोध कराने में, सृष्टि की उपयोगिता अभिन्नता की बोध कराने में। कैसे जो सृष्टि या चोरिता अन्नथा, अन्नथा किस रूप में लिखा है, कभी भी कार्य अपने कारण को छोड़ करके नहीं रह सकते, ये सृष्टि के माध्यम से दिखाई पड़ता है। जो कार्य होगा और निश्चित ही, और इसके फलस्वरूप क्या होता है कि एक वेदना से सर्वविदना का निषेध होता है। अन्नन्नवादी तो आरम्भवादी है, नया कार्य उत्पन्न होता है कारण से ही, कारण ही एक संस्थान रूप में कार्य रूप में दिखाई पड़ता है, ये उनके मानने में नया वस्तु उत्पन्न होता है ऐसा मानते हैं। इसलिए बोला स और अन्नथा इस प्रकार से उत्थान के द्वारा दो चीज दिखाया। हर जगह के स्थिति में एक प्रकार से नहीं, अलग अलग प्रकार से सृष्टि के बारे में कथन करते हैं, क्रम से, फिर अक्रम से और विध क्रम से, ऐसा जो करते हैं। इससे क्या दिखाना चाहते हैं कि सृष्टि में तात्पर्य नहीं है, परंतु वो एक चीज में परिवर्तन नहीं कर, सृष्टि से पहले जो तत्व था वो सजातीय विजातीय सतत भेद से रही एक सामान्य तत्व विद्यमान है। इसको दिखा किसी से उत्पत्ति की तो क्या है, चाहे उसको ब्रह्म शब्द से कहा, चाहे उसको आत्मा शब्द से कहा, चाहे उसको सत शब्द से कहा, परंतु है कोई नहीं, उसको बोध कराना सूर्य की अभिप्राय है। इसलिए सूर्य को यहाँ पे मृत लोक विष्कुलिन काले श्लोक को पढ़ते हैं, अक्षर 54 नंबर, मृलो विष्कुलिन काले सृष्ट्या यातो इनन्नता उपायं सोवताराय वहाँ भी देखिए अग्नि से अलग अलग तंत्र दिखाई पड़ता है, अंगार चिंगारी आग धुआं सब दिखाई पड़ता है, परंतु वो लकड़ी में आग लगने से पहले सारा कुछ लकड़ी में विद्यमान था, लकड़ी से अभिव्यक्त हुआ असर प्रकृति में लय प्राप्त होता है। इसलिए सृष्टि सूर्य की अभिप्राय वहाँ पे कि चाहे एक मतलब छोटे रूप में दिखाई दे, परंतु उसके अंदर पोटेंशियल के कार्य क्षमता को नहीं रहता है, परिच्छिन्न उपाधि में दिखाई देने पर भी उस चेतन की जो क्षमता पूर्णतः व्यापकता उसकी कभी हानि नहीं है। तो कैसे दिखाता है वो, तो क्या जैसे घट नामक वस्तु को उत्पन्न होने पर महाकाश घटा का सूर्य उत्पन्न हुआ जैसा प्रतीति होती है, इसी प्रकार की संघत की उत्पत्ति से आत्मा की उत्पत्ति भी जैसे प्रतीति होती है। अभिवक्त विभक्तेशु जब तक ज्ञानम तब ज्ञानम, समस्त भूतों में समान रूप में विद्यमान जो विनश्यत्सु सर्वेषु भूतेषु विनाशी समस्त भूत में समम परमेश्वर निष्ठम चंद्र पश्यति सपश्यति, यही हमारे दर्शन की महिमा है। इसलिए वो अविनाशी तत्व है और वही जो है विनाशी तत्व के माध्यम से समझना है, ये उपाय है, उपाय अवतारा, ये उपाय है हमारी बुद्धि में हमको अवतरण करो, हमारी बुद्धि में बैठाने के लिए, क्या कि भेद नास्ति भेद कथन चल, हमारी बुद्धि में एकत्व को बैठाने के लिए उत्पत्ति सिद्धि को कहा गया है, क्या मृत्यु का सुपत्ति हुए सारा वस्तु मृत्यु का ही ज्ञान तो समझ में आ जाता है, सुवर्ण की सारा विकार सुवर्ण रूप है, इसी प्रकार सत की सारा यहाँ जो विकार का परिणाम नहीं है विवर्त, सत की सारा विवर्त सतरूप ही है, बस यही है सूर्य की अभिव्यक्ति। अब इसके ऊपर देखिए हमने एक थोड़ा सा पढ़ लिया था, इसका कहा था पढ़िए अलग अलग
अब देखिए सब अलग अलग तत्व है, लेकिन गांधी ने अलग अलग क्यों मान लिया? एक ही तत्व तुमने माना, उसका भिन्नता क्यों माना? एक बोलते हैं कि गुण के कारण, एक बोलते हैं कि परमान के कारण, इस एक बोलते हैं कि कर्म के कारण, भेद क्यों माना? एक ही तत्व में भेद क्यों माना? एक ही तत्व में भेद माना, प्रकृति में भेद माना, क्यों गुण भेद माना है? अच्छी बात है। और आपने आकाश भेद क्यों माना कि परमान में भेद माना है? आपने कर्मों में भेद करके पूर्व में दर्शन में भेद क्यों माना कि कर्मों में भेद माना है? ठीक है ना। अब देखिए ये सब ना मतलब कर्म भी आत्मा में नहीं है, गुण भी आत्मा में नहीं है, आत्मा में और मुक्त वर्गन कुछ भी नहीं है। इसलिए ये सब उपाधि में दिखाई देने का फलस्वरूप तुम एक को भिन्न माने, ये तो हम भी बोलते हैं, तुम उसको सत्य माना, हम जरूर नहीं अपारमान को नहीं मानता। लेकिन वो सत्य होगा कभी निकलेगा नहीं, सत्य की परिभाषा। देख आप खुद देखिए आपने भिन्नता को मानने के पीछे हेतु जो दिया वो हम भी बोलते हैं, किसी जगह पर भिन्नता है वो अपना उपाधि में है, वो कारण नहीं मात्र भिन्नता हो गया। उत्पत्ति के बाद जो उत्पन्न होता है एकम सर्वम भिन्न, अलग अलग जीव दिखाई पड़ते हैं, ईश्वर से भिन्न दिखाई पड़ते हैं, इसलिए आपका ये कथन सही नहीं, अद्वित शुद्ध नहीं हो सकता। अगर यही चीज बोलते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण शक्ति अनुभव शक्ति भिन्नता दिखाई पड़ता है तो एकत्र कैसे सिद्ध होगा? बेचारा ये नहीं समझ पाता कि प्रत्येक प्रमाण के प्रमेय वस्तु अलग होता है। प्रत्यक्ष प्रमाण जिसको समझाता है हमारी श्रुति प्रमाण उसको नहीं कहती, श्रुति उससे इसीलिए आप बोलते हैं भाई काम जो तुम सोचते रहे ना ऐसी बात नहीं है। इसके बजाय काशाम शास्त्र निष्ठत्व अभाव काशाम मतलब काशाम उत्पत्ति श्रुति नाम शास्त्र निष्ठत्व मतलब उत्पत्ति बोधक छात्र उत्पत्ति बोधकत्व अभाव उत्पत्ति का बोधक नहीं है। इसलिए ये अवकाश की कोई शंका है, शंका की कोई शंका उठाने का अवकाश नहीं है। इन अवकाशों को छोड़ने की परिहारत इसके मन में रखते हुए सिद्धांत भक्त इसका उत्तर देते हैं भाई बहुत अन्न तत्वाद उत्पत्ति श्रुति नाम उत्पत्ति श्रुति की विषय अथवा अभिप्रे तात्पर्य विषय एक होता है शब्द अर्थ, एक होता है तात्पर्य अर्थ। तात्पर्य अर्थ को निकालने के लिए तुमने स्वयं जो है तात्पर्य निर्णय स्वयं लिंग को बनाया क्या है तात्पर्य उपक्रम प्रसंधान अभ्यास पूर्वता फलम अर्थवादी षडलिंग तात्पर्य निर्णय तात्पर्य शब्दार्थ एक होता है परंतु उसका तात्पर्य कुछ है जब देखोगे तो एकत्र ही है। इसलिए आपने जो कहा यह सही नहीं है। अन्न अर्थत्वा मतलब सात नंबर की मंड अर्थ का निषेध समाज पत्र अद्वित श्रुति शेषत्व मतलब वो किसको निषेध करेंगे कहाँ तक निषेध करेंगे इसको समझने के लिए हमको कहाँ तक दिखाई देता है कुछ दिखाई देता है कुछ नहीं दिखाई देता। ब्रह्म लोक से लेकर मतलब चतुर्दश भुवन सारा निषिद्ध है और भुवन में रहने वाले जीव भी निषिद्ध है। ये निषिद्ध को यहाँ से यहाँ तक जो आपने कल्पना कर रखा है वो निषिद्ध करने योग्य वस्तु है उसको उसी के प्रति समर्पित है क्या सृष्टि स्थिति निषेध को समर्पित है वो प्रतिपादन में समर्पित नहीं है। इसके बाद निषेध को समर्पण है अद्वैत श्रुति इसीलिए वो अद्वैत श्रुति का अंग बन जाता है ना शिष्यत्व मतलब अद्वैत पर होगा शेषी मुख्य और उसको समझाने के लिए सृष्टि श्रुति की अभिप्राय है तात्पर्य उसमें है। तब अन्न अर्थता उत्पत्ति सुधना पूर्वम अपि परिहृत एव अयम दोष पहले भी हमने ये दोष को परिहार करके आया कैसे परिहार करके आया घटाकाश महाकाश के दृष्टांत के द्वारा है ना। पूर्वम अपि परिहृत एव अयम दोष आठ नंबर टिप्पणी में श्रुति विरोधी तीर श्रुति विरोध आपको दिखाई दे रहा है ये विरोध हमने परिहार करके आया घटाकाश महाकाश दृष्टांत के द्वारा। और उसी को बोलता हमने आपको कह करके आया कि क्या कह करके आया कि स्वप्नवत आत्ममाया विसर्जिता संघाता स्वप्न में दिखाई दे रहा है वस्तु के समान अपने ही माया से सामने प्रतीति हो रहा है वस्तु ये फिर प्रतीति हो रहा है बोलते स्वप्नवत स्वप्न के समान आत्ममाया विसर्जिता संघाता है ना आत्मा ही अपने ही माया माया क्या है स्वरूप की अज्ञान अपने स्वरूप की अज्ञान से प्रोजेक्ट होता है विशेष में प्रोजेक्ट होता है क्या अलग अलग संख्या प्रोजेक्ट होता है। ये सब जो अद्वैत प्रकरण दशम कालिकाया में समझो दशम कालिका पर आत्ममाया विषय का बोल कर गया था है ना।
संघाता स्वप्न वत्सर्वे आत्ममाया विसर्जिता आधिक्ये सर्वसाम्येवा नवपत्ति विविध निकल गई है हमने इसको यहाँ पे शंका उठाई गई अनिजारी भाई जीव चीती ये मिथ्या है तो फिर है देवता शरीर कैसे मिथ्या होगा बोलते हैं चाहे देवता शरीर हो चाहे हिरण्यगर्भ का शरीर हो बस इस बात एक ही मन के होने के कारण तो सभी मिथ्या को समान रूप में रहता है कोई अधिक है कोई कम है ये बात नहीं है कि पहले बोल कर आया घटाकाश उत्पत्ति भेदादिवत जिस प्रकार क्या हो गया घटाकाश की उत्पत्ति से महाकाश में भेद दिखाई पड़ता है इसी प्रकार यहाँ भी संघात की उत्पत्ति से आत्मा में भेद की प्रतीति होती है घटाकाश उत्पत्ति भेदादिवत भेद उसी का व्यवहार जन्म मृत्यु शोक दुख शब्द पद आदि से जीव उत्पत्ति भेदा भेदादि अर्थ जीव की उत्पत्ति जन्म मृत्यु में और भी शुभ दुख भोग में कर्म कर्म कैसे हो जाता है सिद्ध उपाधि भेद से सिद्ध हो जाता है ना उत्पत्ति भेदादि अच्छा फिर आगे होता है इतर एवं उत्पत्ति भेदादि श्रुति आकृष्ट यहाँ पे क्या करना चाहता है विद्या अखबार आपने बोल दिया पहले तो फिर दोबारा क्यों बोल रहे हैं यहाँ इसलिए बोल रहे हैं कि आपको पहले समझाएं अब श्रुति की तात्पर्य तो किसी ने उसको समझाने के लिए दोबारा उठाने को बताया इतर एव यहाँ से ही क्या होगा इतर एव उत्पत्ति भेदादि श्रुति जो अलग अलग श्रुतियों ने अलग अलग प्रकार के उत्पत्ति के बारे में कथन किया और उत्पत्ति से भेद भी दिखाई पड़ता है आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी उससे बने भौतिक वस्तु उसको वहाँ से उठा करके निरपूर्ण फिर यहाँ पे आला करके उत्पत्ति श्रुति नाम है बोला मिलोह विष्णु का जो उत्पत्ति श्रुति है कि उत्पत्ति श्रुतियों का तात्पर्य किसमें है पूर्वा पर विचार करके तात्पर्य निर्णय छह लिंग में डाल करके इसके तात्पर्य किसमें है ये समझाने के लिए इसको दोबारा उठाया गया ठीक है ना इसलिए बोलते हैं प्रतिपादन करने की इच्छा से ऐदम पर यहाँ तक मतलब शुरू से लेकर के पूरा अंतिम तक आगे पीछे विचार करके फिर पर क्या होता है प्रतिपिपाद विषय श्रुति की तात्पर्य देते हैं उसकी प्रतिपादन करने की इच्छा से उपन्यास यहाँ दोबारा रखा गया है यहाँ दोबारा रखा ठीक है फिर बोलते हैं मैं भाष्य को पहले पढ़ लूंगा भाष्य से समझ में आ जाएगा ठीक है कल पढ़ा मृलोह विस्फुलित आदि दृष्टान्त उपन्यास क्या दृष्टान्त क्या था मृत्यु का समृद्ध विकारों को लोहा के द्वारा लोहा के विकारों को है ना इस प्रकार से विस्फुलित आदि दृष्टान्त उपन्यास इस प्रकार दृष्टान्त को माध्यम बना करके सृष्टि या चोरिता जिस प्रकार की सृष्टि के बारे में कथन किया गया है ना अलग है जो कथन किया गया उदिता प्रकाशित उसका कहते हैं प्रकाशिता अन्यथा च वहाँ पे देखिए अन्यथा का साथ अन्याय हो गया इसलिए एक बार चौर बोलने के बाद दोबारा चौर बोल रहे अन्यथा च है ना दूसरी उसकी दूसरी प्रकार से तो उपाय समझाने के लिए सर्व सृष्टि प्रकारों समस्त सृष्टि के प्रकार जीवात्मा जीव परमात्मा एकत्व बुद्धि अवतारा उपाय अस्माकम जीवात्मा और परमात्मा की अभिन्नता की बोध को उत्पन्न करने के लिए ये हमारे लिए उपाय मान बना सके ठीक है सर्व सृष्टि हर प्रकार की सृष्टि प्रकार सृष्टि का जो प्रकार है सर्व सृष्टि प्रकार ठीक है ना जितना अलग अलग सृष्टि के प्रकार दिखाए गए ना सभी सृष्टि के प्रकार में एक कॉमन चीज है क्या कॉमन चीज है समस्त प्रसिद्ध प्रतिपाद का विषय जीव ब्रह्म की एक है ना इसके बदल जीव परमात्मा एकत्व बुद्धि जीव परमात्मा की एकत्व बुद्धि अवतार आय उसका हमारे मन में बैठाने के लिए उपाय अस्माकम है ना ये हमारे सृष्टि के लिए एक उपाय बनाया आप यहाँ तक करेंगे बढ़ लीजिए यथा दृष्टान्त तो देकर के समझा रहे हैं आपको लगभग बता रहा था उद्गीत विद्या जो है छांदोग्य उपनिषद में भी है बृहदारण्यक उपनिषद में भी है और ब्रह्मसूत्र में निर्णय करके देखा ये विद्या जो है एक विद्या नहीं है परंतु उन्होंने कॉमन किया है सारा घटना एक पर देखा करके वहाँ पे प्राण की श्रेष्ठत्व को प्रतिपादन करना चाहता है इंद्रियों की लड़ाई इंद्रियों ने ये बोला इंद्रियों को वो बोला ये सब यहाँ पे अभिप्राय नहीं है वहाँ पे तो अभिप्राय ये है कि प्राण श्रेष्ठ है इसको दिखाना इसलिए बोलता है यथा जैसे प्राण संवादे बाघादि असुर पात्म वेधादि आख्यायिका कल्पिता प्राण वैशिष्ट बोध अवताराय ठीक है
वहाँ पे जो प्राण संभव इंद्रियों ने आपस में भी जब विवाद किया, फिर पिताजी के पास गया, प्रजापति के पास गया, प्रजापति से पूछा हम लोगों में कौन श्रेष्ठ है, तो उसने बोला जो इस शरीर से निकल जाने ना और शरीर पापिष्टतर हो जाता है वो तुम्हारे श्रेष्ठ है। और एक जगह पर देखा जाए एक साल घूम कर आया, एक जगह पर देखा जाए वाणी अपने वस्तु को प्रकाश करते समय क्या करता है, अब जो अच्छा चीज़ है अपने पास रखा और जो मतलब सामान्य है उस सबको दे दिया, फल क्या होगा अपने विषय के प्रति आसक्त होने के कारण वो आसुरी पाप के द्वारा वेदित हो गया, इसलिए वाणी नहीं चाहते वेदी असभ्य विभत्स आदि बात कर देते। इसी प्रकार से सभी इंद्रियों ने जो भी अपने अपने को विषय प्रकाश करते हैं उसका भी विशेष लाभ वो अपने पास करते हैं और सामान्य सबके बाद देते हैं, उनके इस जो विशेष के प्रति अपने आसक्ति रहने के कारण वो आसुरी पाप के द्वारा वेदित हो जाता है। परंतु प्राण, प्राण का कोई अपना विषय नहीं है, वो सभी के लिए समान रूप से काम करता है। यदि प्राण अपान वायु नहीं खाता कोई भी अपने विषय को नहीं प्रकाश कर सकता, शांति को सुनकर कथा की बात सबसे लिखा है। इसीलिए यहाँ पे प्राण जब थोड़ा सा निकलने का कोशिश किया सभी सफल हल्ला मचा कर तुम अगर निकल जाओगे तो हम कोई नहीं ठहरता है यहाँ पे, इसीलिए कम भी इस प्रकार से वहाँ पे बोलते हैं कि मो उत्क्रमी तुम यहाँ से मत निकालो तुम बैठो, फिर उन्होंने स्तुति करके प्राण को। इस प्रकार उपनिषदों में अनेक कथा दिखाया, मतलब देवताओं के आपस में झगड़ा हुई प्रजापति के पास, मतलब उस झगड़ा आदि तात्पर्य है क्या, कोई व्यक्ति उपासना करते समय झगड़े की चिंतन करेगा क्या, तब वो पता लगा जब कोई झगड़ा ही क्यों रहेगा, प्राण की सृष्टि को समझा नहीं हुआ। ठीक इसी प्रकार से सृष्टि स्तुति में भेद की प्रतिपादन तात्पर्य नहीं है कि हमारे अंदर भेद बुद्धि बैठी हुई है उसमें एकत्व हम कैसे ला सकते हैं, इस लॉजिक से उसके लिए एक उपादान कारण दिखा करके उससे अलग अलग कार्य होता है। ये चातुर्यता मतलब सामान्य व्यक्ति को भी बोध कराने के लिए एक उपाय अपना उपाय होता है। देखिए अभी क्या बोलते यथा प्राण संवादे बालाद्या आशुर पापों वेधाद्य आख्यायिका कल्पिता, प्राण संवादे बागादी इंद्रियों को आशुर पाप वेधित कर दिया, ये जो आख्यायिका कहा कल्पिता वो क्या दिखाने के लिए, प्राण वैशिष्ट्य अवबोध, प्राण वैशिष्ट्य बोध अवतारा, प्राण की विशिष्टता को बोध कराने के लिए उस उपाय को अपनाया। एक नंबर की मैंने वैशिष्ट मतलब श्रेष्ठम प्राण की श्रेष्ठता, श्रेष्ठ के कथित हुआ श्रेष्ठ असह प्रस्तर हो तदपि असिद्धम दीजिए, वो भी आपका सही नहीं है, क्यों न शाखा भेदेशु अन्यथा अन्यथा जो प्राण संवाद आदि से होना, नहीं नहीं वो जो बोलते नहीं आपका सिद्ध नहीं तो नहीं होता, अब वो भी सही है क्या सही है, प्राण समस्त इंद्रियों में विवाह हुआ इस प्रकार बोलते नहीं अलग देखो अलग अलग यहाँ पे वो प्राण संवाद गीत विद्या हर जगह पे एक नहीं है, अलग अलग उपनिषद अलग अलग प्रकार के कहा गया है। न शाखा भेदेशु अन्यथा अन्यथा च प्राणादि संवाद श्रवणम, अलग अलग शाखा में जो प्राण संवाद है ना अलग अलग प्रकार से सुना गया है, इसीलिए वो संवाद में तात्पर्य नहीं है प्राण की श्रेष्ठता में तात्पर्य। इसीलिए छात्र में एक पंचम अध्याय के शुरू में प्राण की ज्येष्ठम च श्रेष्ठम च उपासित, प्राण शरीर में ज्येष्ठ भी है और श्रेष्ठ भी है, क्यों ज्येष्ठ है क्योंकि मातृगर्भ में बीज संचार होते ही सबसे पहले वो प्राण है, इसलिए वो ज्येष्ठ सबसे पहले उत्पन्न में ज्येष्ठ माता होते हैं, और श्रेष्ठ क्यों है उसका अपना कोई विषय नहीं है, वो निराशक्त होकर के काम करता है, निराशक्त होकर के काम करते हैं सभी इंद्रियों तक करके सो जाता है, प्राण कभी विश्राम नहीं देते, इसलिए प्राण को श्रेष्ठ भी कहा गया। इसलिए यदि ही प्राणादि प्राणादि संवाद श्रवण, यदि संवाद परमात्र एव अभूत, यदि यही संवाद की घटना जो पारमार्थिक हुई होती एक रूप एव संवाद सर्व शाखा सुअसौषद, तब क्या होता है यदि कोई जो घटना पारमार्थिक होता है, मान लीजिए बाजार में कोई घटना जो हुई घटना हुई वो घटना कोई भी व्यक्ति देख के आएगा तो यही कहेगा कि यहाँ पे एक घटना हुई, मतलब जो सच्चाई होता है सभी व्यक्ति एक ही प्रकार से होता है, परंतु जब झूठ होता है तो इधर उधर इधर उधर काम होता है, कोई अपना अपना जैसे दे तो उसे बोल दे। इसी प्रकार श्रुति में भी यदि वहाँ पे प्राण संवाद को सच रूप में प्रतिपादन करनी होगी, मतलब सृष्टि को भी सच रूप में प्रतिपादन करनी होगी, तब हर एक श्रुति में एक ही प्रकार की कथा,
हर एक श्रुति में एक ही प्रकार की कथा होती है ना, परंतु प्राण संपर्क अलग अलग श्रुति में अलग अलग करके आया हुआ है, इसी प्रकार सृष्टि भी अलग अलग श्रुति में अलग अलग करके, इसीलिए सृष्टि में अथवा संपर्क में तात्पर्य नहीं है, सृष्टिकर्ता को समझाना तात्पर्य है, अथवा प्राण की सृष्टि को समझना तात्पर्य है। यदि ये संवाद परमात्म एव अभूत, यदि ये संवाद पारमार्थिक हुई होती तो क्या होता है, एक रूप एव संवाद सर्व शाखा सु अश्रोत, समस्त शाखाओं में एक ही प्रकार की कथा सुनाई, एक ही प्रकार की कथा सुनाई देती है। अभूत एक रूप एव संवाद सर्व अश्रोत, विरुद्ध अनेक प्रकार प्रकार एक नश्रोत, अनेक विरुद्ध प्रकार से ये नहीं सुनाई देता, विरोध हो गया, एक एक श्रुति बोलते हैं आकाश उत्पन्न, एक श्रुति बोलते हैं तेज से उत्पन्न, फिर विरोध को हो गया उत्पन्न, तब व्यास देव जी को संभालना पड़ा उसको, बोलते हैं तब यही मान लेंगे कि ठीक है आकाश और वायु को उत्पन्न करके फिर जो है तेज को उत्पन्न किया था, लज्जा को उत्पत्ति में हमारा तात्पर्य ही नहीं है, उत्पत्ति हमारा तात्पर्य ही नहीं है, रोल मगर निर्णय कर दीजिए। यहाँ पे देखिए दो नंबर टिप्पणी को यह बोले अश्रोषण, अर्थ तथा पाठ मतलब एक ही अर्थ अथवा उसी प्रकार एक ही प्रकार के पाठ होता अस्तम, मतलब विरुद्ध अनेक प्रकार का न अश्रोषा, ठीक है ना, मतलब इस प्रकार से अलग अलग कथन नहीं सुनाई देता, इसलिए अश्रोषत अश्रोषत इति अर्थ, मतलब वहाँ पे देखिए अश्रोषत अलगतम कर दिया है ना, वो अश्रोषत वो आत्मनिपद में होना चाहिए, यदि अर्थ तथी का पाठ होगा इस प्रकार पाठ होना चाहिए, क्यों कर्मकर्तरी प्रयोग अवधन, कर्मकर्तरी प्रयोग मतलब अपना हम जो काम होता है जैसे कष्ट विद्यते पच्यते फलम फल फल पकता है, अपने आप जो काम आसानी से हो जाता है उसमें कर्मकर्ती प्रयोग करते हैं, यहाँ पे यदि एक आप कर्मकर्ती प्रयोग कर लेंगे वहाँ पे क्या होता है आत्मनिपद प्रयोग होते हैं, यहाँ पे इसलिए अश्रोषत वहाँ पे आत्मनिपद में होना चाहिए, अश्रोषत यदि तेज कभी प्रयोग करते हैं दो नंबर टिप्पणी, परंतु श्रूयते दु मतलब अलग अलग प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार से कथा सुनाई देता है, इसलिए तस्मात श्रूयते दु मतलब सुना जाता है, क्या सुना जाता है भिन्नता सुनाई देते हैं वहाँ पे, तस्मात न तादर्थम संवर्षीय वहाँ पे एक संवाद आदि में अलग अलग प्रकार के सुनाई देने के कारण उसमें तात्पर्य श्रुति का नहीं है, परंतु सबको सभी को जगह पे कहा गया प्राण के श्रेष्ठत्व को प्रतिपादित करना संबंधता को श्रुति का अभिप्राय से बोलते हैं, तस्मात न तादर्थ्यम संवाद श्रुति न इसलिए संवाद श्रुतियों का अभिप्राय तत्व संवाद में नहीं है, प्राण के श्रेष्ठत्व को प्रतिपादित करने में, तथा उत्पत्ति वाक्यानि प्रत्येतव्यानि, एक दृष्टांत देकर के समझा करके अब सृष्टि वाक्यों को भी ऐसे ही समझना चाहिए, अलग अलग श्रुतियों में अलग अलग प्रकार की एक अधिकरण आया हुआ है, ब्रह्म सूत्र प्रथम अध्याय चतुर्थ में सृष्टो विज्ञानी अपनी न सृष्टिकर्ता ही विज्ञान, सृष्टि में अलग अलग प्रकार के कथन होने पर भी सृष्टिकर्ता में एक अधिकरण प्रथम अध्याय चतुर्थ पाद में जो वहाँ पे अधिकरण आया हुआ है, सृष्टि में सब अलग अलग प्रकार के होते हैं तो कैसे समझ में आएगा, बोलते श्रुति के तात्पर्य सृष्टि में है ही नहीं, श्रुति के तात्पर्य तो सृष्टिकर्ता में है, लेकिन सृष्टि की ज्ञान से आज तक कोई भी श्रुति में नहीं कहा कि सृष्टि के ज्ञान से तुम्हें बल प्राप्त हो जाएगा, कहा किसी श्रुति में कोई भी उपनिषद ये नहीं कहा सृष्टि के ज्ञान से तुम्हें ये बल प्राप्त होगा, बल्कि सृष्टिकर्ता के ज्ञान से तुम सृष्टि के बल मन से पूर्ण करते, इसलिए उसमें तात्पर्य है, तथा उत्पत्ति वाक्यानि प्रत्येतव्यानि, इसी प्रकार से सृष्टि वाक्यों को भी ऐसे समझ लेना चाहिए, कल्प सर्ग भेदा संवाद श्रुतीनाम उत्पत्ति श्रुतीनाम च प्रतिसर्गम अन्यथा अन्यथा इति चेत् न, अब देखिए वो क्या बोलते हैं, अलग अलग कल्प अलग अलग सृष्टि, इसी सृष्टि में अलग अलग प्रकार के कथन किया, और प्राण संवाद भी ऐसे अलग अलग हो, जिस प्रकार प्रत्येक कल्प में अलग अलग नया सृष्टि होते हैं, इसलिए अलग अलग कल्प में अलग अलग करके सृष्टि हुई, ऐसे नहीं है हमारे यहाँ पे जो है अलग अलग सृष्टि की प्रक्रिया नहीं है, यदि हुआ हुई होगी तो एक ही प्रकार की सृष्टि हुई है, इसलिए बोलते हैं कल्प सर्ग भेदा, प्रत्येक कल्प में अलग अलग सृष्टि की भिन्नता के कारण संवाद श्रुति नाम उत्पत्ति श्रुति नाम च, मतलब ये प्राण संवाद की श्रुति अथवा सृष्टि श्रुति प्रतिसर्गम अलग अलग सृष्टि में अन्नधत्तम अलग अलग प्रकार के कहा गया, यदि हम ऐसा कहें तो, यदि हम ऐसा कहें तो तब बोलते हैं न निष्प्रयोजन द्वारा
इस प्रकार के अलग अलग सृष्टि के अलग अलग प्रकार के ऐसा मन है, इससे क्या प्रयोजन सिद्ध होगा? आज तक कोई भी श्रुति वाक्य आपको मिला सृष्टि के ज्ञान से उनको ये फल प्राप्त हो जाएगा? देवताओं की उपासना से कर्म से कुछ प्राप्त हो सकता, सृष्टि के ज्ञान से कहीं भी उपलब्ध नहीं कहा गया, इसमें महिला इसलिए बोलते हैं कि निष्प्रयोजन यथक्त बुद्धि अवतार प्रयोजन एकत्र बुद्धि उत्पन्न करने के प्रयोजन से भिन्न करके दूसरा कोई भी प्रयोजन सिद्ध करने के लिए सृष्टि स्तुति नहीं है। नहीं अन्य प्रयोजन वत्य संवाद उत्पत्ति सुनम सत्यम कल्पयितुं, नहीं उससे कोई दूसरा प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा या संवाद स्थिति के सत्य मानने पर? नहीं अन्य प्रयोजन वत्यम, यहाँ में क्या है वत्यम मतलब ये है ना वति और वत्य हमारी है ना संवाद स्तुति संवाद उत्पत्ति स्तुति नाम संवाद उत्पत्ति स्तुति का सत्यम प्रयोजन वत्तम सत्यम कल्पयितुं, दूसरा प्रयोजन संवाद उत्पत्ति स्तुति नाम अन्य प्रयोजन वत्तम सत्यम कल्पयितुं न सत्यम कल्पयितुं, संवाद उत्पत्ति स्तुतियों का जो दूसरा प्रयोजन वाली है स्तुति दूसरा प्रयोजन को सिद्ध करने वाला है, इस प्रकार तुम कल्पना नहीं कर सकते हो, इस प्रकार नहीं करती हूँ। तथा प्रतिपत्ति ध्यानार्थ में दीजिए, नहीं नहीं वहाँ पे जो है ध्यान के लिए आपको ऐसा आपको अभिप्राय ध्यानार्थम तथा प्रतिपत्ति उस भाव को प्राप्त करने के लिए ध्यान करना कर दीजिए, बहुत अच्छी बात। तब क्या होगा, अब लड़ाई झगड़ा के ध्यान करो जो आजकल लोग करते हैं, शांति मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्या कहते हैं मजे से कलह उत्पत्ति प्रलयनम प्रतिपत्ति अनिष्टत्वा, आपको झगड़ा हो रहा है सृष्टि हो रहा है नाश हो रहा है इस प्रकार की बुद्धि में बैठ जाएगा ना वो अनिष्ट होगा, अनिष्ट भेद और चंचल तत्व को बढ़ाते हैं, चंचल का विक्षेप को बढ़ाता है, लड़ाई झगड़ा यहाँ भी वो हुआ यहाँ भी वो हुआ और फिर ये यहाँ भी सृष्टि हुई यहाँ तो नाश हुआ, वो मानसिक विक्षेप को बढ़ाता है। तब विपरीत शब्द इतना विक्षेप होने पर भी इसके नीचे एक अधिष्ठान रूप में जो तत्व है ना होगा कुछ देर के लिए सृष्टि उत्पत्ति सृष्टि शुभदायक होने पर भी फिर भी जैसे उसमें क्षय होने लगता है तो दुखदायक होने लगता है, लड़ाई झगड़ा चाहे कोई कितना भी करे अपने आप सुस्त नहीं करता तो अच्छा। अब इसी को ध्यान करने के लिए थोड़ी सुखी बताए, इसलिए कलह उत्पत्ति प्रलयानाम प्रतिपत्ति अनिष्टत्वा तस्मात् उत्पत्ति आदि श्रुतय, इसीलिए उत्पत्ति बोधक श्रुति वाक्य समूह उत्पत्ति बोधक श्रुति वाक्य समूह मतलब समूह बोल श्रोतय कौन सा विभक्ति बने होना चाहिए, श्रोतय में कौन सा विभक्ति बने होना चाहिए, प्रतिपदी क्या है श्रुति प्रथमा बहुवचन, अच्छी बात है प्रथमा बहुवचन में तो विषय को होना चाहिए हरि 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 अष्टाध्याय तो वह विषय तो ना चाहिए, यदि आकार के बाद आकार आया हुआ तो आकार दीर्घ भी नहीं किया उत्पत्ति आदि श्रुतया और फिर है आत्मा एकत्व विषय वहाँ पे अकार है अकार के बाद आकार आया हुआ है तो अकार आ हो जाना चाहिए, क्यों नहीं हुआ विषय को ड्रॉप होने के बाद वो साथ वहाँ शांति नहीं कर सकते विषय को ब्लॉक हो गया श्रुतय विषय कर ठीक है वो भाव अवरोध होगा और विषय को अंतर आदेश हो गया था ब्लॉक हो गया, फिर उसके बाद वहाँ पर है ना कि आप उसके बाद उस पर संधि नहीं कर सकते, नहीं क्योंकि यहाँ पे विषय का था और वो ड्रॉप हो गया तो कैसे समझ में आएगा, इसलिए इस प्रकार विषय का ड्रॉप होने के बाद उसका अलग रहना है, इसलिए उत्पत्ति आदि श्रुतय आत्म एकत्व बुद्धि अवधाराय आत्मा में एक आत्मा की एकत्व बुद्धि को उत्पन्न करने के लिए एक न अन्यथा कल्पयितुं युक्ता, इसको दूसरी प्रकार से कल्पना करना चाहते हैं, इसको गुरु की दृष्टि में है अगर सृष्टि में भेद प्रतिपादन करने के लिए है ये कल्पना करना बिल्कुल संभव नहीं है,
और वो भेद दृष्टि से ही हमें इतना दुख हो रहा है, और तुम दुख मिटाना चाहते हो और भेद को भी बना के रखना चाहते हो, ये कैसे हो सकता है? इसलिए तस्मा उत्पत्ति आदि सूर्य आत्मा एकत्व बुद्धि अवतार है, आत्मा की एकत्व बुद्धि को अवतरण करने के लिए न अन्न अर्थम करोगे तुम, तो उसके लिए भिन्न अर्थ कर्म बिना करना दुख की संगत नहीं होना। अतो नास्ति उत्पत्ति आदि में तो भेद कथन चाहिए, उत्पत्ति में जो भेद दिखाई पड़ता है तो पारमार्थ नहीं है, ये भेद उत्पत्ति करते हैं सृष्टि कभी पारमार्थ उत्पत्ति भी नहीं, हमारी कल्पना भगवान पर बैठ करके मन मन कल्पना करते हैं सृष्टि आप इसके ऊपर चीजा लिखेंगे। आप देखिए यहाँ पे आ जाइए, वही तत्वाच इनम चौद्यम पेज 150 में इनका की थर्ड लाइन देखिए बीच में, वही तत्वाच नैनम चौद्यम सावकाशम की आह, ये जो आपने शंका उठाया कि भेद अलग अलग धर्म व्यक्ति सब संकट हो जाएगा, ये शंका को हमने परिहार कर दिया इसके पहले श्लोक में, आत्मा बिना अवयव है ना विकार है तो कैसे होगा कि भेद से सारा दिन शुद्ध हो जाए, शंकर जी नहीं आता इसलिए हम बोलते हैं टीका में कह पूर्व अभी परिहित नाम एक अयव दोष है, ये दोष को मैं पहले भी परिहार करके आप लोगों में आया, इसलिए नया करके भी दोबारा उठाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक टीका में यदि प्रतितो उत्पत्ति आदि श्रुतिभ्य सकाशा उपक्रम उपसंहार एक तात्पर्य एकदम आकृष्ट उद्भाग्य मिश्रा सृष्टि आदि श्रुति स्वार्थ परत्व परिणाम तई पूर्व उपत्ना शोभिताशाली की आशंक देखिए, बोले वाले छोड़ने वाले नहीं है, आपने बोला हमने भी पहले इसका खंडन कर दिया, पहले इसका खंडन करके भी हुआ है यदि तुम्हारी खंडन से तो आपने संतुष्ट नहीं होती नहीं बसू होता, यदि प्रकृत उत्पत्ति श्रुति जो इस प्रकार जिस प्रकृत उत्पत्ति सुनो जिस सृष्टि का को अपने यहाँ पे लाया ठीक है ना, उस श्रुति से नकाशा यदि श्रुति श्रुति भ्य इसमें कौन सा विभक्ति बने होगा पंचमी को बचे पंचमी को बचे प्रकृत उत्पत्ति श्रुति भ्यो सकाशा अर्थ करते समय क्या करते हैं मतलब ब्रह्म पहले आकाश भाव में विवर्तित हुआ, फिर आकाश भावापन्न ब्रह्म से वायु उत्पत्ति हुई, वायु भावापन्न ब्रह्म से तेज की प्रकृति होती है, इस प्रकार ब्रह्म से सब कुछ है, अलग अलग नहीं है, सब उपादान एक है, ऐसा वेदांत सिद्धांत जिसको बोलते हैं सृष्टि आकाश, उसको क्या देखते हैं सृष्टि होने योग्य जो पदार्थ है आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी ये सब अलग अलग है, और वेदांत क्या देखते हैं सब को ऊपर से अलग देखते अंदर एक ही ब्रह्म तत्व विद्यमान है। यदि प्रकृत उत्पत्ति आदि श्रुतिभ्य जिस उत्पत्ति आदि जिसको लेकर के विचार किया जा रहा है उससे उपक्रम उपसंहार एक रूपम तात्पर्य लिंग आकृष्ट सबसे बलवान लिंग होता है उपक्रम संहार, फिर उपक्रम क्या बोलते हैं सदैव संवेदना प्रयासी अरे ब्रह्म का इतना प्रयासी अरे आत्मा का इतना प्रयासी फिर उसके बाद अठा तो आदेश बाजार मन भी करो निश्चित करके आत्मा उसको निश्चित करके उस अनिमा सूक्ष्म तत्व सबको उपक्रम संघार मतलब लिंग के बल पे तात्पर्य उसका उस सब तत्व के प्रतिपादन में है ना, सब तत्व के प्रतिपादन उसमें तात्पर्य लिंग आकृष्ट तात्पर्य लिंग को ऊपर कष्ट करके उद्भाव के उसको दिखा करके मिशा सृष्टि आदि श्रुति सृष्टि आदि श्रुति मिथ्या है सार्थ परत परे इसलिए उस सृष्टि में उस स्वार्थ अर्थात सृष्टि अर्थ में उसका तात्पर्य नहीं है उसको अपने परिहार कर लिए, इसको पहले आपने कर दिया कहीं पुनर्उपन्यास सुविधा ये दोबारा कहना तो आपको कोई जरूरत नहीं है, कहीं पुनर्उपन्यास सुविधा फिर दोबारा इसको कहना तो पुनरुक्ति दोष हो जाएगा वृथा हो जाएगा, ऐसे आशंक जैसे शंका करते हैं उसको उत्तर ही बोलते हैं। इत एव
यहाँ से लेकर के उत्पत्ति भेदादि श्रुति भी भाष्य में ठीक है ना, आकृष्य उसको हम आकर्षण करके इन पुनः उसी श्रुति बात होगा उत्पत्ति श्रुति ना उत्पत्ति श्रुतियों का एकदम परिपाद ईश्वर आगे पीछे पूरा विचार करके प्रतिपादन करने की इच्छा से मतलब तात्पर्य निर्णय अक्षय लिंग की कसौटी में डाल करके विचार करने की इच्छा से दोबारा उठाए उपन्यास उसके पीछे तात्पर्य निर्णय शैली को से निर्णय होता है यह नहीं कहा इसलिए होता है उत्पत्ति आदि श्रुति नाम मिथ्या सृष्टि परत्वं पूर्वोक्तं को सृष्टि मिथ्या है ऐसा मिथ्या के बोधक है ऐसा हमने कथन करते हैं यह तो ताशा ब्रह्म आत्म ऐक्य तात्पर्य प्रतिपादन इच्छया यह तो परंतु यहाँ के ताशा सृष्टि आदि श्रुति नाम ताशा से क्या लेंगे सृष्टि आदि श्रुति नाम ब्रह्म आत्म ऐक्य जीव ब्रह्म की एकता में तात्पर्य प्रतिपादन इच्छाया उसी में इसका तात्पर्य इसके प्रतिपादन की इच्छा से पुनः उपन्यास दोबारा इसको उठाया गया है उपन्यास से जब इसकी ये कहना बिल्कुल संगत बेहद है यदि उत्तर आह इसी प्रमाण में रखते हुए उत्तर दिए थे क्या दिए थे यह पुनः उत्पत्ति श्रुति नाम ऐदम पर्य प्रतिपाद विषय उपन्यास दोबारा स्पष्ट उठाया गया है कि तात्पर्य निर्णय क्षय लिंग की कसौटी में डाल करके दिखाएंगे कि इसका तात्पर्य उत्पत्ति में नहीं है इसका तात्पर्य जीव ब्रह्म के एकत्व के प्रतिपादन है पाद त्रय गतानि अक्षराणि योजयति तीन पाद में आया हुआ पाद त्रय गतानि अक्षराणि तीन पाद कागज लोह विश्व लेखा तेहि कलपा सृष्टि रियाजो वितान्न धादुष्टपा उपायस अवतारा युष्टपा है ये तीन पाद में तीन शब्दों को आया हुआ है उसकी व्याख्यान करने के लिए बोलते हैं कि पाद त्रय गतानि अक्षराणि जो ये लगे वृत्ति इत्यादि न वृत्ति का शब्द लो विश्व लेखा आदि जो शब्द सत्ता प्रतीयते न शास्त्रुति अर्थ भवति देखो शब्द की वृत्ति से जो शब्दों के अर्थ पता होता है वो श्रुति का यथार्थ नहीं है शक्ति वृत्ति से श्रुति की जो अर्थ प्राप्त होती है वो श्रुति की तात्पर्य उसमें नहीं है तात्पर्य निर्णय क्षय लिंगों में डाल करके तो हम देखते हैं जहाँ शब्द सत्ता प्रतीयते जो शब्द की शक्ति वृत्ति से अर्थ प्रकाशित होता है न श्रुति अर्थ भवती वो श्रुति का अभिप्रेत अर्थ नहीं है क्षमा कर देना किंतु तात्पर्य का तो सभी में ना जब शक्ति शब्द सत्ता प्रतीयते न श्रुति अर्थ भवती किंतु तात्पर्य ब्रह्मस्यैव श्रुति अर्थ का यदि अत्र दृष्टान्तः मतलब उसकी तात्पर्य निर्णय लिंग से जो अभिप्रेत निकलता है उसी में श्रुति की उपयोगिता है किंतु परंतु तात्पर्य ब्रह्मस्य तात्पर्य के द्वारा प्राप्त होता है बोध होता है जो अर्थ श्रुति अर्थ था उस श्रुति अत्र दृष्टान्त हमारी विषय में एक दृष्टान्त द्वारा समझाया जाता है क्या दृष्टान्त दिया था दृष्टान्त क्या दिया था सृष्टि स्तुति को समझाने के लिए दृष्टान्त क्या दिया था अभी प्राप्त हो सृष्टि स्तुति की सृष्टि में तात्पर्य नहीं है उसकी एकत्व बोधन में तात्पर्य है उसको समझाने के लिए दृष्टान्त दिया भगवान का हस्वन प्राण क्या दृष्टान्त दिया था वो प्राण संवाद सृष्टि स्तुति की तात्पर्य सृष्टि में नहीं है इसको समझाने के लिए भगवान भाष्यकार एक दूसरे सूत्र वाक्य को दृष्टान्त दिया वो क्या प्राण संवाद को दृष्टान्त प्राण संवाद का इंद्रियों के बीच में विवाह प्राण शब्द से केवल प्राण नहीं है संबंध संभव में इंद्रिय समूह को लिया जाता है इंद्रिय समूह में जो विवाद संवाद विवाद हुआ ना अथवा एक तत्व निर्णय करके जो विवाद कथा होते हैं इस संवाद को यहाँ पे भगवान भाष्यकार मतलब सृष्टि स्तुति की तात्पर्य सृष्टि में नहीं है एकत्र बोधन में है इसी प्रकार इंद्रियों की विवाद को बोध कराने में तात्पर्य नहीं है प्राण की श्रेष्ठता में बोधन में तात्पर्य
ठीक है, ये नहीं तो लगेगा कि हम समझ नहीं पाएंगे कि यहाँ पे क्या बोलता है। जहाँ शब्द सत्ता प्रदीयते नुतियत भगवती, किंतु तात्पर्य ब्रह्म से एक स्तुतियत, तात्पर्य से जो अर्थ होते हैं उसमें श्रुति की अर्थ रहती थी। अर्थ इस विषय में दृष्टान्त होगा, इस विषय में दृष्टान्त होगा। क्या दृष्टान्त कहाँ से पढ़ेंगे अभी हम? यथा प्राण संवाद, ये जो दृष्टान्त है प्राण संवाद को दृष्टान्त के रूप में दिया। सृष्टि स्तुति की तात्पर्य ऐक्य बोधक में है, इसको समझाने के लिए प्राण संवाद को दृष्टान्त रूप में कहा था। भगवान देखो वहाँ पे इंद्रिया लड़ाई करते हैं, पितरे के पास जाते हैं, फिर निकल के जाते हैं, आशुरी काम के लेते हैं, ये सब जो है उसमें तात्पर्य नहीं है। तात्पर्य किसमें? प्राण की सृष्टि को समझा रहे। बागादीना प्राणानाम अहम श्रयान, अहम श्रयान यदि विथ संघर्ष संवाद, ठीक है ना। बागादी इंद्रियों का मैं श्रेष्ठ हूँ, केवल बागादी इंद्रियों नहीं, हर जगह पे इसी तो लड़ाई का कारण होता है। क्या था? मैं जो बोल रहा हूँ, मैं तो समझ गई, मैं ही जो है, बागादीना प्राणानाम अहम अहम श्रयान, अहम श्रयान है ना, ये श्रेयस कभी कभी को दर्शन श्रेयान श्रेयान जो श्रेयान जो तो अहम श्रेयान मैं स्पष्ट हूँ मैं से इति मित्र आपस में संघर्ष जो आपस में जो लड़ाई उठते हैं तो संघर्ष शब्द जो है कहा है तत्व हमें करना खास पर तत्र जा आख्यायिका स्तुयते। अब इस विषय में जो लड़ाई झगड़ा विषय जो आख्याय का कथा वहाँ पे सुनाया जाता है न असो स्तुत्यर्थ भवति, इसमें स्तुति की तात्पर्य नहीं होता, ठीक है, इसमें स्तुति की तात्पर्य नहीं है। बागादीनाम अचेतन अत्वात्, बागादी जो लड़ाई कैसे अचेतन, इसलिए इसमें तात्पर्य नहीं है। ठीक उसी प्रकार तथा सृष्टिया की स्तुति रवि न स्वार्थे तात्पर्यवती इति अर्थ, ठीक इसी प्रकार सृष्टि आदि स्तुति भी अपने स्व अर्थ में तात्पर्य वाली नहीं है। सृष्टि स्तुति भी अपने स्व अर्थ वाक्य में शक्तिवृत्ति से जो अर्थ है उस अर्थ में तात्पर्य वाली सृष्टि स्तुति नहीं अर्थवती स्तुति के भीषण है नहीं। तथा सृष्टि आदि स्तुति भी सृष्टि और सृष्टि में जो आपका अलग अलग भिन्नता दिखाई पड़ता है वो स्तुति भी न स्वार्थे स्व अर्थे मतलब वाक्य से जो अर्थ मिल जाए उस अर्थ में तात्पर्य उसमें तात्पर्य वाली नहीं है इति अर्थ। उदाहरण अंतरम सूच यदि बाघ आदि अशु समय प्राण संवाद हो गया, फिर बाघ आदि अशु प्राण संवाद हो गई उसका रिश्ता कर दिया। बाघ आदि प्राणों में था आदि आख्याय का कल्पित है उल्पित विद्या है। अच्छा और व्यवहार वेदांत उपनिषद में इंद्रियों ने विवाद किया और उन लोगों ने क्या कहा कि ठीक है तुम अपने विषय को प्रकाशित करते ही अच्छा भाग को अपने पास रखा, तो उसी मौके पर उस मौका को पा करके आसुरी वृत्ति उसको घेर लिया। हम जैसे बहुत सूक्ष्म चीज है जैसे ही हमने कोई अच्छा काम हमसे होता है मतलब कोई अच्छा तुरंत हमारे अंदर एक अहम आता है नया वही हमारे लिए आसुरी वृत्ति हमारी मनोवृत्ति हमको घेर लिया। वो शक्ति का हमारे तुरंत जो हम भगवान को अर्पण करते हैं इस शरीर से कुछ अच्छा काम भगवान ने कराया उनकी वृद्धि करते हैं। हम सामान्य व्यक्ति नहीं समझते ये कहते हैं मैं क्यों जैसे कि मैं था ना वही आप करिए आशुरी का वेद दिया अभी मतलब आपको बंधन में डाल दिया जैसे कि अच्छे को आया हमारे लिए मंत्र वो कर्म का फल भोगने के लिए मंत्र है सशे करते रहते इसलिए हमें क्या बोलते हैं उदाहरण सोचे असुर प्राण वैशिष्ट्य बोध अवतार है प्राण की विशिष्टता की जो भाव है उसकी बोध को अवतरण करने के लिए इस प्रकार कथा वहाँ पे आया क्या बोलते हैं इसी कथा को आनंद हमारे समय खोल के लिखते हैं। देवासुर संग्रामे देवास्तावत असुरान अभिभवितुम जत्तम उपजत क्रमिये देवासुर संवाद में देवासुर संग्राम होता है तो देवताओं ने असुर के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए एक बार सोम जाते तो देवासुर संग्राम में देवास्तावत असुरान अभिभवितुम देवता लोग असुरों के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए जत्तम उपजत क्रमिये कोई ध्यान की आयोजन किया था
अब क्या किया था वो एक एक करके बोल रहा है, भाग्य उद्गार यदि हमारे उद्गार करो, भाग्य बताया उद्गार किया, उद्गार कर अच्छे भाग को अपने पास रखा था, बस जैसे अच्छे को अपने पास रखा उसी मौके पे आशुरी भाग उसको घेर लिया। इसलिए नहीं चाहते हुए गाने को कभी कभी गलत शब्द झूठ शब्द बोलते अशब्द करते अच्छे प्रकार उद्गान किया उनके देवता उद्गान करते हो अच्छा और आपने मस्तक का इसलिए नहीं चाहते हुए भी आपको सुगंध नहीं उद्गम नहीं दोनों सुगंध करते हैं। इसी प्रकार से दर्शन इंद्र के देवता उद्गान किया उसने अपना अच्छा मस्तक का इसीलिए आपको अच्छा बुरा दोनों देखना पड़ता है। ये आशुरी बात के द्वारा विभिन्न होता है इसको समझाने है। देवासुर संग्रामी देवास्तावत असुरान अभिभवित देवता लोग असुरों को ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए यज्ञ की आयोजन किया था। बालादींश उद्गातेन ब्रह्मीणे है ना, और बालादेवी का रूप है ना दूधा हुआ बालादी इंद्रियों की मत इंद्रियों की देवता को हम लोग उद्गाता के रूप में था उन्होंने उद्गार तुम्हारे मंदिर उद्गान और ऐसा करके सभी देवता ने एक एक करके प्रार्थना किया। प्रत्येक देवता फेल हो गए एक असुर उसको मार दिया। जैसे प्रत्येक देवता जैसे बालादी इंद्रिय और जब प्राण उद्गान किया और असुर लोग उसको मारने के लिए गए तब क्या होगा जैसा मिट्टी का ठेला पत्थर से टकराने से अपने आप चूर चूर हो जाते हैं ऐसे आशुरी बात विधि को आशुरी असुर मत ये प्राण संपत्ति प्राण भाषाएं कितना महिमा वहां पर दिखाई गए। तो यहाँ पे कहते हैं तांश बागादी कल्याण आशंक देना पापमना असुरा विधु इत्याद्या आख्यायिका च न तथा सुधार वहाँ पे तांश बागादी उन बागादी देवताओं को कल्याण आशंक देना जो अच्छी भाग है उसके प्रति आसक्ति रहने के कारण आत्मना असुरा विविधुर पाप रूपी असुर के द्वारा वेदित हो गया था। आत्मना असुरा विविधुर को वेदित कर दिया था इत्यादि आख्यायिका इस प्रकार से वहाँ पे कथा हुआ है। न चथा सुधार जैसे वहाँ पे सुनाई दिया उसमें इसका तात्पर्य नहीं है अल्टीमेट वहाँ पे प्राण की श्रेष्ठता को दिखाया जैसा सुनाई गया उसमें उसका तात्पर्य नहीं है विविधुर मतलब तारित भक्त संयोजित भक्ति विजापन उनको वेदित कर दिया पाप के साथ उसको जोड़ दिया तारित व्यक्तित कर दिया उसको दर्द दिया क्या दर्द दिया उसको ने पाप के साथ जोड़ दिया पाप के साथ मतलब ये आसक्ति अपने अपने विषय के प्रति आसक्ति सबसे बड़ा पाप यही आसुरी पाप है। इस प्रकार से पाप आपको घेर लेते हैं। उद्गान असामर्थ्य सभी इंद्रियों के पास तो बाघ नहीं है परंतु सभी उद्गान करने के लिए बोला यानी उसमें तात्पर्य नहीं है वो केवल कथा के रूप में समझाने के लिए इसका होता समर्थ है किंतु अशुरों के द्वारा वेदित नहीं होने के कारण कौन प्राण जब उद्गान किया उसका कोई अपना विषय नहीं है उसका कोई अपना विषय नहीं होने के कारण किसी के प्रति भी आसक्ति नहीं है वो निराशक्त होकर के शरीर में काम करने शुरू होता है और दर्शित प्राण अब उसका क्या जाएगा कि प्राण की उत्क्रांति होने पर सारे इंद्रियां जो है अस्थिर हो गए प्राण उत्क्रांत सिद्धिश्च प्राण निकाल जाने पर शरीर में कोई इंद्रिय काम ही नहीं कर रही सिद्ध हो जाने के कारण प्राण श्रेष्ठ भवति प्राण की श्रेष्ठता को प्रतिपादन करना हो जाता प्राण वैशिष्ट निश्चय प्राण की विशिष्टता को निश्चय में
वो बुद्धि में अवतार उस बुद्धि की अवतार के अंग के रूप में वो कथा कल्पिता कथा कल्पिता यहाँ पे देखिए आनंद गिरी ने पूरा समझा दिया वहाँ पे जो जो होना संभव नहीं है उसको मान्यता दे करके आपने उसको सुना सुनने के बाद फिर क्या कहते वास्तविक हम यहाँ पे आपस में लड़ाई किया उसने गान किया उसने हमारा अभिप्राय किया कि सभी में प्राण श्रेष्ठ है इसलिए प्राण उपासना ही करना चाहिए प्राण के साथ हम को उपासना करना है समष्टि प्राण मैं श्रेष्ठ होती निष्ठ इस प्रकार से आपके चिंतन करने से ब्रह्म तत्व अपने हम चले जाते हैं निश्चय हो जाए अंग रूप से कल्पिता जब ये दृष्टांत आपको समझ में आ जाएगा तब दृष्टांत नाम से घटा पाएंगे Yeah.